हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है HPSSC क्लर्क एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। हमने इसका पार्ट वन डिस्कस कर लिया है। तो इस पेपर की बात करें तो ये एग्ज़ाम जो था ये सितंबर 2018 में हुआ था, जिसका पोस्ट कोड है 627। इस एग्ज़ाम का हमने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस सेक्शन और करंट अफेयर सेक्शन डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी इंग्लिश रीजनिंग सेक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो HPSSC से रिलेटेड हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। HPSSC से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का एग्ज़ाम हो, स्टेनो का एग्ज़ाम हो, क्लर्क हो या ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी सेक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ से हिंदी सेक्शन डिस्कस होता है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स क्या है? तो श क्या है? श है उष्म व्यंजन। श क्या है? उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या है इन ऑप्शंस में से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंदर्प जो है कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में खटकना यानी कि अच्छा न लगना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गय से प्रत्यय शब्द बनता है। तो गय जो शब्द है इससे कौन सा प्रत्यय बनता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलमय। जलमय ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर मैं आपको इनके आंसर बता रही हूँ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, वी जमा सम क्या बनता है? विषम। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रसंग का विशेषण है। तो प्रसंग का विशेषण क्या बनता है? तो प्रसंग का विशेषण बनता है प्रासंगिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकंठ में समास है। तो आकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें समास है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द एकता को किस तरह से लिखा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, एकता को इस तरह से लिखा जाता है, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध वाक्य है। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है, जैसे उसको देखे ही, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको भी देखे हो, ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखा है, लग तो रहा है कि शायद हो सकता है नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उसे देखा है, 10 का राइट आंसर है। तो अब यहाँ से हमारा जो है इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे हम। यहाँ से इंग्लिश सेक्शन जो है स्टार्ट होता है। हिंदी के हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव। सो यहाँ पर जो है आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो एटिक्वेट जो है, एटिक्वेट को किस तरह से लिखते हैं? तो एटिक्वेट की स्पेलिंग क्या होती है? तो इसकी होती है ETIQUETE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटिक्वेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हरासमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी, हरासमेंट, HARASSMENT, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएटली, इमीडिएटली को किस तरह से लिखते हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, इमीडिएटली, IMEDIATELY। आपको स्पेलिंग्स भी इसकी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, रेसिपिएंट को किस तरह से लिखते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, RECIPIENT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजेशन, सुजेशन को किस तरह से लिखा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही स्पेलिंग है, SUGGESTION। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 16 से लेकर 20 तक आपको क्या यहाँ पर बताना है? चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सो यहाँ पर 16 से जो है 20 तक आपको पूछा गया है, इसके सिनोनिम्स आपको बताने हैं एक तरह से। तो मर्ज होता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैंटी।
मर्ज होता है इसका, इसे कहते हैं अल्प, कम या थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वर्डिक्ट, तो वर्डिक्ट का अर्थ होता है निर्णय लेना। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जजमेंट। जजमेंट भी जो होता है निर्णय लेना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टीम, तो एस्टीम होता है आदर, एंड रिस्पेक्ट भी क्या होता है, आदर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ज्यूडिशियस, ज्यूडिशियस क्या होता है, उचित होता है या फिर न्याय संगत होता है। तो यहाँ पर प्रूडेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेस, एक्सेस होती है पहुंच, कि कहां तक पहुंच है हमारी, तो एक्सेस यानी कि पहुंच। और अप्रोच क्या होती है, अप्रोच भी पहुंच होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक है, फिल इन द ब्लैंक यहां पर आपसे पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 है, हर लाइफ इज डैश प्राइस फॉर हर पेरेंट्स। सो तो यहां पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर लाइफ इज़ अ प्रेसियस फॉर हर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बेल डैश रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिंग्स, द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I wish I dash be a bride, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I wish I were a bride। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑफ्टन goes फॉर अ वॉक, goes यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, goes। ही ऑफ्टन goes फॉर अ वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका डैश वाई कोलम्बस, तो अमेरिका क्या था, डिस्कवर किया गया था, यानी कि अमेरिका was discovered, यहाँ पर होगा अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे ईडम और फ्रेजेस पूछे गए हैं 26 से लेकर के 30 तक। तो 26 नंबर है, टू ब्रेक ऑफ होता है रिश्ता ख़त्म कर देना किसी से, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू एंड अ रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ता ख़त्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंस ऑफ लेटर्स यानी कि साहित्यिक व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ लिटरेसी पर्सन, मैंस ऑफ लेटर यानी कि अ लिटरेसी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ वेट ब्लैंकेट यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन हु डिस्करेज अदर्स, जो दूसरों को हतोत्साहित करता है या दूसरों की हिम्मत को तोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वन हु डिस्करेज अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टू कम अक्रॉस यानी कि टू मीट विद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पुट अप विद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं, जिस तरह रविशंकर का संबंध सितार के साथ है वैसे ही उदय शंकर का संबंध किससे है, तो उदय शंकर जो थे ये नृत्य के साथ संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी शेष से भिन्न है, तो शेष यहाँ से मटर, चना, अरहर, सरसों, तो यहाँ से भिन्न कौन सा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरसों यहाँ इससे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि किसी निश्चित कूट में 786 का अर्थ ब्रिंग एप्पल मी, एंड 958 का अर्थ होता है कट ग्रीन एप्पल, तथा 645 का अर्थ हो है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट, तो निम्न में से मी के लिए क्या प्रयुक्त होगा, तो मी के लिए क्या प्रयुक्त होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी, जामुनी को आकाशी नीला, तो बताइए कि पके हुए केले का रंग कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। संख्या श्रेणी में, यहाँ पर संख्या श्रेणी दी गई है, में ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या आती है किंतु बाद में सम संख्या नहीं आती है, तो इसे आप खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि 1 से लेकर 21 तक की सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, तो बढ़ते मान के क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी तरफ से 6वें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की कतार में सुबह बाएं से 10वें स्थान पर तथा रूपा दाएं से 11वें स्थान पर है। जब वे दोनों परस्पर अपनी स्थिति अदल बदल करते हैं तो रूपा दाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है, सुबह की स्थिति बाएं से क्या होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से ऊंचा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है, जयंत दत्ता से अधिक ऊंचा है परंतु मनोहर से नाटा है, कौन सबसे ऊंचा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजू जो है सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, सानाज को मार्केट जाना है जो उसके निवास से उत्तर दिशा में है, वह क्रॉसिंग तक आती है, उसके बाएं तरफ की सड़क पार्क के लिए जाती है और एकदम सीधे ऑफिस है, तो किस दिशा में मार्केट है? तो मार्केट जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि प्लस को कुछ इस तरह से लिखा जाए और यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ डिवाइडेड, डिवाइडेड का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो, तो यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की घनाकृति को छोटे घनों में विभाजित करने पर ऐसे कितने छोटे घनाकार बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कोर्ट में फ्लावर्स जो है उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है और उसी कोर्ट में सुप्रीम को जो है वो किस तरह लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर श्रेणी दी गई है सीक्वेंस वाइज 10, 14, 28, 32, 64 एंड 68, 31, 32 में निम्न में से कौन सी एक संख्या गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा? तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अन्नू मेरी माँ के भाई अभी की पुत्री है, परी मेरी माँ की पोती है, परी अन्नू को क्या पुकारेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, एक पुरुष पश्चिम की ओर मुखातिब है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, अब वह किस दिशा की तरफ मुखातिब है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार हो तो किसी अधिवर्ष यानी कि जिसे लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो वो होगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50। तो यहाँ पर जो है हमने रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस कर लिया, अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन बचता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।